रूस के साथ खुलकर सामने आया चाइना। यह बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। रूसी सैंक्शन पर यूरोप, अमेरिका ने कहा चीन ने उड़ाया मजाक। बहुत बड़ी खबर है, फुल फ्रेम पे राहुल एक बार शॉर्ट ब्रेकिंग दिखाएं। रूस पर सैंक्शंस लगाकर यूरोप खुद कमजोर हुआ, ग्लोबल टाइम्स ने कहा। अमेरिका लगातार यूक्रेन को भड़का रहा है, ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा। एक बार फिर से फुल फ्रेम पर यह पूरी ब्रेकिंग में आपको पढ़ के सुना रहा हूं। बड़ी खबर है, चीन ने रूस के साथ खुलकर सामने आ गया है। रूसी सैंक्शंस पर यूरोप, अमेरिका का चीन ने उड़ाया मजाक, ये बड़ी खबर है। रूस पर सैंक्शंस लगाकर यूरोप खुद कमजोर हुआ, ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा है। अमेरिका लगातार यूक्रेन को भड़का रहा है, ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा है। आइए जरा बिग वॉल पर सीधे प्ले ऑन करें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और मैं शार्प रिएक्शन कौशिक सर से लेना चाहूंगा। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है सीधे राहुल प्ले ऑन करें और जूम इन करिएगा, बिकॉज वी हैव अदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो। यहां पर सीधे प्ले ऑन करें, यह बड़ी खबर। रूस चीन भाई भाई, यूरोप यूज की खिल्ली उड़ाई, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे? सीधे प्ले ऑन करें, जूम इन करेगा राहुल। रूस के समर्थन में चीन का स्टैंड खुलकर सामने आया, ग्लोबल टाइम्स उनके प्रवक्ता ने कहा है। नेक्स्ट चेंज करें ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने माउथपीस ग्लोबल टाइम्स में चीन ने रूस पर लगे सैंक्शंस को लेकर यूरोप का मजाक उड़ाया है। तुरंत चेंज करें इसको यहां पर। ग्लोबल टाइम्स ने यूक्रेन को मदद भेज रहे, अमेरिका की भी तीखी आलोचना की। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि रूस पर सैंक्शंस लगाने से यूरोप की जीडीपी 1 से 2% घट जाएगी। नेक्स्ट चेंज करें, रूस और यूक्रेन युद्ध से सिर्फ वॉशिंगटन को फायदा होगा, ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। रूस पर यूरोप की 40% नेचुरल गैस सप्लाई और 50% कोल सप्लाई निर्भर करती है। नेक्स्ट चेंज करें, जब से रूस ने रूबल में पेमेंट की बात की है तब से यूरोप में गैस के दाम 34% बढ़ गए हैं, ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा। इन्वेस्टेक बैंक का कहना है कि यूके में एनर्जी के दाम 50% ऊपर होंगे अक्टूबर में। नेक्स्ट, मार्च में यूरोप अमेरिका में एलएनजी की बड़ी डील हुई, लेकिन यह डील रूस के नेचुरल गैस का विकल्प नहीं होगी, गैस है। नेक्स्ट चेंज करें, चीन ने जर्मनी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि नेचुरल गैस की सप्लाई घटने के डर से जर्मनी की फायरवुड की जो डिमांड है वो बढ़ गई है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अमेरिका नहीं चाहता कि रूस यूक्रेन का संकट खत्म हो। यहां पर ये वॉल और ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ सीधे मैं कौशिक सर के साथ चलूंगा। कौशिक सर, अब तो स्टैंड क्लियर है, कोई सोचने की जरूरत नहीं। ग्लोबल टाइम्स का इस्तेमाल चाइना अपने एक भौंपू की तरह, अपने लाउड स्पीकर की तरह करता रहा है, और वो जो बात वो उसके लीडर नहीं बोल सकते, ग्लोबल टाइम्स में लिखवाकर ग्लोबल टाइम्स में के जरिए वो पूरी दुनिया को अपने मकसद अपने संदेश देते हैं। लेकिन ये भी सच है कि ग्लोबल टाइम्स में कही गई बातों से उनकी लीडरशिप लगातार अपने आप को अलग कर लेती है, तो उसके इस पूरे वर्षन को चाइना का वर्षन नहीं मानना चाहिए। ये दरअसल एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा है जिसके आधार पर चाइना अपने आप को रूस के साथ खड़े दिखना चाहता है, जबकि अपने लीडर के जरिए वो यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ अपना कारोबार बनाए रखना चाहता है। ओके, आप जो बता रहे हैं यहाँ पर पॉइंट टेकन। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।